ने किया, उसके साथ ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं उनका किया हुआ है, तो अच्छी बात है ये। देखिए मैं तो आपको पता है मैं तो स्पेशल कुछ बात करूंगा क्योंकि मैं तो यूनुस भाई को क्लब क्रिकेट से जानता हूं, मैं और यूनुस भाई ने एक साथ क्लब क्रिकेट खेली है, उस टाइम से ही मुझे बड़े पसंद थे ये जिस तरह ये बैटिंग करते थे। इनको हाईली रेट मैं इस वजह से भी बहुत करता हूँ क्योंकि ये जिस टाइम पाकिस्तान में आए ये उन जैसे टैलेंटेड प्लेयर या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट में से नहीं थे, इस वजह से इनको हाईली रेट करता हूँ कि उन बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये एक नाम है कि मेहनत से भी आप उन नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर के साथ जाके मैच कर सकते हैं, ठीक है, और हार्ड वर्किंग अगर आपने करनी है तो मेरे ख्याल है इनसे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती, और एक लिमिटेड टैलेंट के साथ 10,000 रन सबसे ज़्यादा रन करना मेरे ख्याल है ये हमारे लिए कोई खुशी की बात हो नहीं सकती कि इतनी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी है। एक दफ़ा फिर मैं यूनुस भाई के लिए बिल्कुल मैं तो समझ रहा था ये कहेंगे मैं क्लब क्रिकेट से ही जानता था ये हॉल ऑफ फेम में। देखिए क्लब क्रिकेट का देखिए पता था मैं एक क्लब क्रिकेट का किस्सा थोड़ा सा सुना दूँ। एक दफ़ा ना ये मैच में आई नहीं तो मैंने अच्छा मुझे ये क्यों पसंद थे, मैं हर किसी को बोलता था स्पिनर जैसी बॉल पीछे करते थे ये बैकफुट पे आके छक्का मार देते थे मिड विकेट पे, तो ये एक आध मैचेस में आई नहीं, मुझे याद है कोई बस मिस हो गई या किसी वजह से ये लेट हो गए थे आ नहीं सके, तो मैंने बोला यार वो यूनुस भाई को बुलाओ ना यार वो बड़ा जबरदस्त पीछे की बॉल पे छक्का मारते, तो वो बड़ा इनका एक फेवरेट शॉट था। कैमरन कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं मैं कह रहा था क्लब क्रिकेट सुने जब तनवीर के साथ बैठे ना तो आपको अपने लिए खुद बोलना पड़ेगा वरना मौका नहीं मिलेगा। नहीं बस यही कह रहा था कि बॉल लेट बताया क्लब क्रिकेट स्कूल क्रिकेट से लेकिन देखिए एक बात तो है ये जो यूनुस भाई का नाम आया ये सर सही बात की है, आजकल T20 की क्रिकेट को हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की बड़ी वैल्यू, टेस्ट क्रिकेट से पहचान है और टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से जो उनको मिला ये अभी बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अचीवमेंट है यूनुस भाई की, जैसे मेहनत है जैसे मुझे बड़ी खुशी है मेरे जितने हंड्रेड है इनके साथ है और इनकी कैप्टनसी में भी है इनका 300 है उसमें 150 पीछे सबसे ज्यादा खुश कामरानी नजर आ रहे हैं। और ये जो क्लिप आया अभी जो आपने एक वीडियो बनाया था उसमें जब ये मैराथन 300 रन की बात करें तो कामरान अकमल ने आके 150 रन किया था और ऐसी इनिंग मुरलीधरन और मेंडिस के खिलाफ अमेजिंग इनिंग हमने मैं इनिंग डिक्लेयर करना चाह रहा था और कामरान अकमल एकदम एक ओवर में 15-20 रन जोड़ देते थे, तो करते 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 जब इनका 100 हुआ तो 100 में फौरन बाद दो हमने कहा फिर डिक्लेयर करते दो ओवर में इन्होंने फिर 20 रन कर दिए, तो हमने कहा चले 150 रन करने दें, तो इस तरह अमेजिंग। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट का मतलब ये कि लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट खेले आप, फोर डे खेलेंगे तो आपके स्किल्स और आपके नर्व्स और सारा आपकी जो बैटिंग बॉलिंग है वो और ज़्यादा उसमें निकाल आएगी। बिल्कुल बेसिक्स तो उसी से बेहतर होती हैं। और मूविंग ऑन, अब हम बात कर रहे हैं इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट की लेकिन इस ट्रांसमिशन में सिर्फ T20 है और T20 वर्ल्ड कप एक बड़ा चैलेंज है हर टीम के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट आसान नहीं होती और ऑस्ट्रेलिया खुद डिफेंडिंग चैंपियन है। यूनुस भाई कैसा देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, सबसे पहले ये बताइए। मुश्किल वर्ल्ड कप है अगर हम ये पहले दिन ही देख लें तो एक तो बहुत बड़ा अपसेट हो गया कि जिस तरह नामीबिया ने श्रीलंका को हराया और श्रीलंका इस वक्त एशिया चैम्पियन है हमारा, अगर हम देखें कितनी अमेजिंग क्रिकेट खेली अभी UAE में, और उसके बाद अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो वहाँ UAE हार गया जो कि नेदरलैंड के खिलाफ, अगर हम नेदरलैंड की बात करें और UAE की बात करें तो वहाँ भी UAE काफ़ी अरसे से ये क्रिकेट खेल रही है और खासतौर पर T20 क्रिकेट खेल रही है, तो मेरे ख्याल से फाइट बड़ी ज़बरदस्त हुई थी एंड में। लेकिन देखिए बात असल में यही होती है कि देखिए जब नेदरलैंड जो कि हम अगर देखें तो हम वो सॉकर में बहुत ज़्यादा उनकी बहुत नाम है, उसके बाद हॉकी में बहुत नाम है, अगर वो क्रिकेट में आके इस तरह के मैचेस जीते तो उसका मतलब है कि ये स्केड्यूल जो है और ख़ासतौर पर ये फॉर्मेट जो है ये बहुत आसान नहीं है, इसमें हर दिन आपको हर मैच में प्लानिंग करनी है और एक ही प्लानिंग से जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक ही प्लानिंग से आप नहीं खेल सकते, आपको प्लानिंग चेंज करनी है, आपने कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा आपने आपको अपग्रेड करना है कि आप कम्पीट अच्छा कर सकें। और आपका जैसे T20 का बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है कि एक ओवर में आप आगे निकल जाते हो और एक ओवर में आप पीछे आ जाते हो, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इसमें टाइम बहुत कम है तो आपको शार्प और अपने स्किल्स को बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। कामरान ये बताइएगा जैसे अभी यूनुस भाई ने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका एशिया कप में भी आया तो पहले अफगानिस्तान से हार गया उसके बाद एशिया कप चैंपियन बन गया, यहाँ पे आने के बाद नामीबिया से स्टार्टिंग में हार गया, तो उनका भी पता नहीं चलता कि कौन सी टीम आज खेल रही है आज कैसा खेलेगी। देखिए
क्रिकेट अगर देखी जाए एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त खेली, ठीक है पहला मैच वो हार गए थे लेकिन कम बैक बड़ा ज़बरदस्त किया था, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, कोई भी नहीं कह रहा था कि एशिया कप वो चैम्पियन हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी स्किल अपनी परफॉर्मेंस एक सेल्फ बिलीव उन्होंने रखा अपने पे और जीते, और मॉडर्न डे की जो क्रिकेट उस हिसाब से खेल लिया, इंटेंट उन्होंने दिखाया, पेस दिखाई T20 की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कल मैच खेला गया वो ऐसा कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे क्रिकेट खेलेगी, ऐसा स्टार्ट उनको मिलेगा। देखिए हर दिन नया होता है, एशिया कप UAE में हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, बाउंड्री बड़ी है, अब देखिए जितने बैट्समैन हैं उनके सारे क्रॉस मारते हुए बाउंड्री क्लियर करते हुए आउट हुए हैं, वो बाउंड्रियाँ लंबी हैं, वहाँ पे उनको देखना पड़ेगा सारी टीमों को जो एशियन टीमें हैं वो गैप में टारगेट करें बड़ी हिट मारने के लिए, अगर मिस भी हो तो गैप में जाए, कैच ना हो, वो एक चीज़ मेरे ख्याल से उन्होंने लैक की है। एशिया में छोटी बाउंड्री होती है, मारते हैं तो चली जाती है, इस वजह से वो मैच हार गए, लेकिन स्कोर जैसी पिच थी बहुत ज़्यादा करवा दिया था, लास्ट 5 ओवर्स में 7 ओवर्स में ऑलमोस्ट 10 की एवरेज से स्कोर करवाना फिर 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैनों से, तो वहाँ पे उनकी बॉलिंग थोड़ी नजर आई है, वीक है, लेकिन ये कि एक अच्छा स्टार्ट नामीबिया के लिए मिला। वर्ल्ड कप के लिए ओवरऑल बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हो गया, पहले ही रोज अपसेट, दोनों मैचेस में क्या हुआ।